वेलकम टू डे टू लंच इज डन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू डे टू एंड पार्ट टू ऑफ दीघा व्लॉग। बेसिकली दिन का टाइम पे इतना ज़्यादा धूप था कि वी वरंट रियली एबल टू गो डाउन टू द सी बीच एंड स्पेंड सम टाइम। सो आफ्टर हैविंग आर लंच वी वेंट डाउन टू द सी बीच। ज़्यादा दूर नहीं गए, बस कमर तक पानी तक ही गए। एंड या उसके बाद वी वर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम कलेक्टिंग सी शेल्स एंड वाट नॉट। सनसेट इतना खूबसूरत दिख रहा था कि यू नो, पानी में जाने का जब भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, वापस आने का भी नहीं। जूता चोर वही जैसा बैग दल जूता चोर रहा था। जूतो नहीं चोर रहा था, जूतो गया लो पूरा। कौन बादशाह जूतो हटा रहा। शाम से इतना इसके ऊपर वो है ना, ड्यू पूरा गीला हो गया इसका रूफ, कुछ ऐसा है। धूल मिट्टी भी है। कल सुबह संडे हम लोग वापस जाएंगे, सो सुबह को थोड़ा साफ कर लूँगा। डस्ट तो था, गाड़ी आया पूरा, मतलब ऊपर में धूल वूल मिट्टी तो था ही, तब उसके ऊपर अभी ये ड्यू पूरा गीला है। तो अभी हम लोगों का डिनर हो गया। डिनर करके अभी हम निकले हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर। वो रहा तानिया और मम्मी, चलो चलते थोड़ा सी बीच के पास। टाइम अभी 10:30 हो रहा है, तो अभी इधर में कस्टमर का भीड़ बहुत कम हो गया है, ना के बराबर। And probably in the next half an hour, these shops will close. अभी already बंद हो रहा है। As you can see, ये वाला है होटल हम लोगों का। इधर से एकदम स्ट्रेट बीच की तरफ जा रहा है। अभी पूरा ये ऐसा फॉग स्टार्ट हो गया है, तो सुबह तक रहेगा फॉग। ये सब रहा मछली मार्केट, ये देख सकते हो, ये फिश, स्क्वेड, ऑक्टोपस भी देखा मैंने, श्रिम्प वो सब तो है, और चिकन भी है शायद, वो तंदूरी या कबाब जैसा दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। Thank you.
गुड मॉर्निंग। Everyone, welcome to day 3 of our Digha trip. This is the final day of our journey. Sunrise देखने का plan था, but around 8:30 बजे we reached the sea beach. तब तक sunrise हो चुका था. So yeah, इसके बाद we had plans to head back to hotel, have our breakfast, नहा धो के फिर pack करके ready होके निकलना है for the road. Digha sea beach को goodbye बोल दिया. अब बारी था वापस होटल जाकर फ्रेश होके जल्दी से जल्दी निकलने के लिए. नीड टू क्लीन द कार बट गाय आके खड़े हो गए. कोई बात नहीं, गार्ड कर रहा है गाड़ी को. सही, बहुत बढ़िया, थैंक यू. ब्रेकफास्ट करके फिर साफ करने के लिए आएंगे. ओके, ब्रेकफास्ट आलू परोठा. ओके, अराउंड 3 PM we reached Kolaghat, Shere Punjab. लेकिन as you can see Sunday था, उसके ऊपर से दोपहर का time, so already बहुत congested था and parking का जगह भी नहीं था. so हम लोगों को बोला कि आगे इधर में they were I think under construction है, कुछ hot stable कुछ बना रहे नया. so इधर में पहले बोला कि गाड़ी लगाइए, फिर बाद में जगह मिल गया, so proper parking में मैंने लगा दिया. लेकिन लगभग हम लोगों को लाइन में ही खड़ा रहना पड़ा अराउंड फॉर 2 hours, तब जाके फाइनली अंदर जाके बैठने का मौका मिला. बट फॉर मी एज़ यूजुअल द फूड वॉज वर्थ इट. उधर का बटर नान के साथ टिक्का बटर मसाला बहुत पसंद है मेरे को. ओके, सो हे एवरीवन, घर पहुंच गए. सो या इट्स अभी तो यार 9 बज रहे, सो रीच्ड होम अराउंड लाइक 8. सो कोलाघाट में लंच करने के टाइम में इतना लेट हुआ यार, मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक लंच करने बैठे और इवनिंग स्नैक्स खत्म होके फिर रवाना हुए उधर से. लगभग 6:45 बज गया था
और या सो संडे था इसलिए और भी ट्रैफिक तो हाईवे में नहीं था, लेकिन हाईवे से मतलब वंस आई एंटर्ड कोलकाता उसके बाद ट्रैफिक था अच्छा खासा एज यूजुअल. इट्स अ संडे इवनिंग, एवरीवन्स यू नो ऑल गुड, हर किसी ने एंजॉय किया बहुत अच्छे से. अभी बाल एकदम सेट सेट सा है, अभी बस नहा के निकले है यू नो. सो या यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you have any comments or any feedbacks, then please mention down in the comment section below. Aur batana yaar ye vlog kaisa laga. I know this wasn't a motor vlog or something. So yeah, big thanks to Tanya for recording. Let me know in the comment section about anything that you liked in the video. And yeah, see you guys in the next one. So till then, be safe, ride safe. Catch you guys in the next video. Thanks for watching.